हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो TDS का ये दूसरा वीडियो है और TDS के बारे में हम और भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेजर्स आपको कौन कौन से बनाने थे। अगर ये एंट्री आप करना चाहते हैं तो TDS वाली, तो यहाँ से अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आ जाइए लेजर्स पे और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ से अल्टर पे आ जाता हूँ मैं, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कौन कौन से लेजर्स आपको बनाने हैं। ये देखिए, एक लेजर हमने बनाया राकेश यादव, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है। क्रेडिटर पार्टी का लेजर इसमें लगाना है तो कुछ इस तरह से हमने लेजर बनाया है। ये यहाँ पे TDS डिडक्टेबल यस किया है और यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रखा है हमने डिटेक्टेड टाइप में, और यहाँ पर TDS सेम वाउचर में डिटेक्ट होगा। और एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लिया है, तो ये राकेश यादव के नाम से हो गया। और दूसरा जो हमने बनाया लेजर, रेंट ऑन बिल्डिंग के नाम से, ये देख सकते हैं आप, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसे डाला है हमने। GST एप्लीकेबल रखा है और यहाँ से सर्विसेज किया हमने, और रेंट ऑन बिल्डिंग नाम का एक नेचर ऑफ पेमेंट हमने कैटेगरी बनाई है न्यू, उसमें इसे डाल दिया है, एंटरप्रेस किया और फिर इसे एक्सेप्ट करा लिया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं TDS ऑन रेंट, ये एक लेजर और हमने क्रिएट किया है और इसे हमने डाला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और TDS में डाला है। फिर यहाँ पे रेंट ऑन बिल्डिंग किया है, ठीक है, और एंटरप्रेस करके फिर इसको एक्सेप्ट कराया हमने। तो ये इस तरह से कुछ लेजर्स हमने बनाए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए बी प्रेस करना है। आपको जनरल वाउचर में ही रहना है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, हम डेबिट किसको करने वाले हैं, तो रेंट पे जो बिल्डिंग लिया गया है उसका रेंट जो हम देंगे उसी को हमें डेबिट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपए महीने का रेंट दे रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट हमें किसे करना है, क्रेडिट हमें करना है क्रेडिटर पार्टी को, ठीक है। तो ये राकेश यादव जो पार्टी है ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, इसे हम क्रेडिट करेंगे, यानी इन्हीं को ये किराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 80,000 आ रहा है, कारण क्या है 80,000 आने का वो भी बताता हूँ। एंटरप्रेस करता हूँ या न्यू रेफरेंस रखेंगे, फिर यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखेंगे और यहाँ पे ये 20,000 शो कर रहा है, ऊपर 1,00,000 है डिफरेंस यहां पर आ रहा है। ये 1,00,000 में से 20,000 रुपए माइनस हो जा रहे हैं, यानी TDS डिटेक्ट हो जा रहा है। चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं, यहां पर आते हैं। अब यहां पर TDS ऑन रेंट वाला लेजर हम लगा देंगे, जैसे ही लगाएंगे तो यहां 20,000 आ जाएगा, यानी कि 20,000 रुपए TDS डिटेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। यहां पर लिखता हूं TDS डिडक्टेड, ठीक है, ₹20,000, ये लिख दिया हमने और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब इसका जब हमें प्रिंट आउट लेना होगा तो हमें डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, और ये वो जनरल वाउचर है, ये देख सकते हैं, जहां से अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां से इसको सेव करता हूं, JOU इसी के नाम से सेव कर लेता हूं, इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्रिंट आउट आएगा। तो इस तरह से हम TDS अप्लाई करेंगे। अगर आपको रेंट के लिए TDS अप्लाई करना है तो इस तरह से कुछ TDS अप्लाई होगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।